एक्चुअली हम लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि दिवाली जो है उसकी सेलिब्रेशन सिर्फ पटाखों से नहीं, उसकी सेलिब्रेशन इसी से हो सकती है अगर हम कोई कम्युनिटी सर्विस करें। हमने ये चीज़ बच्चों के बीच में दिखानी थी, बतानी थी, समझानी थी, तो हमने क्या किया, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ क्लास वाइज हमने करवाई। जैसे हर क्लास में सिक्स स्टैंडर्ड में से हमने कहा कि दिए डेकोरेट करने हैं, सेवन्थ में कैंडल्स डेकोरेशन के लिए, एट्थ में थाली डेकोरेशन करने के लिए। इसी तरह से दिवाली पर जो जो चीज़ें गिफ्ट आइटम्स हम दे सकते हैं वो सब हमने बच्चों से ही तैयार करवाए। एंड देन वी हैड एन एग्जिबिशन, और इस एग्जिबिशन में जितने भी बच्चे हैं वो सारे उसको देखेंगे। एंड देन सेल भी हमने करी, वो सेल भी जो परचेज जो अमाउंट हमारे पास इकट्ठा होगा वो हमने चैरिटी पर्पस के लिए यूज़ करना है। वो हमने बच्चों को ही स्लम एरियाज़ में ले जाके, जहाँ जिन लोगों को कपड़ों की ज़रूरत है उनको कपड़ा, जिनको राशन की ज़रूरत है उनको राशन, और जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है उनको मेडिसिन देंगे। इस दिवाली पे हम ये चाहते हैं कि बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने कोविड का भी टाइम देख लिया है और लोगों की ज़रूरत जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो सीखें कि हम लोग किस तरह से एक गरीब की हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए दिस वाज आवर पर्पस टू सेलिब्रेट टुडे व्हाट वी सेलिब्रेटेड। देखें, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज है, हमारे पेरेंट्स के लिए भी है, हमारे स्कूल के लिए भी, और हमारी कम्युनिटी के लिए भी है। तो एक, हम जो पैसे क्रैकर्स के ऊपर, पटाखों के ऊपर खर्चते हैं, वही पैसे हम इकट्ठे करें और उनको हम उन लोगों की सेवा करें, हेल्प करें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दिवाली मनाना। तो एक ग्रीन दिवाली मनाएं जिसमें पटाखे ना चला के वो सामान गरीबों को दें, ताकि उनकी भी दिवाली जो है वो अच्छी दिवाली बीते, खुशी से बीते। यही हमारा संदेश। मायसेल्फ पारस शर्मा, आई एम फ्रॉम अकाल गैलेक्सी कॉन्वेंट स्कूल। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो दियों के साथ ही मनाया जाता है। दियों के बगैर दीपावली कैसे? दीपावली में पटाखों का बहुत महत्व आजकल बढ़ चुका है, परंतु एक सच और एक सही दीपावली क्या है वो बहुत ही कम मात्रा में लोगों को मालूम। हमारे स्कूल में रिसेंटली एक कोरियोग्राफी और एक एक्टिविटी करवाई गई जिसमें वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करके उससे मटेरियल बनवाया गया। इसका पर्पस साफ था, ताकि बच्चों में से जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाला जाए और उसको प्रेस किया जाए, और इससे जो भी अर्निंग हुई है वो चैरिटी में दी जाए। एंड आई थिंक दिस इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ दीपावली, बिकॉज दिस इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व फॉर आवर कंट्री, टू सर्व फॉर नीडीज। सो मेरे हिसाब से ये सबसे उच्च कार्य है, दीपावली ऐसे ही मनाई जानी चाहिए, ऐसे ही मनाई जानी चाहिए। थैंक यू। Myself मुस्कान प्रीत कौर, आई एम द स्टूडेंट लीडर ऑफ अकाल गैलेक्सी कॉन्वेंट स्कूल सुल्तानपुर लोधी। आज हमारे स्कूल में दिवाली के पर्व पर कुछ एक्टिविटीज़ करवाएंगी, जिसमें से बच्चों को वेस्ट मटेरियल से कुछ दिए बनाएंगे, लड़ियाँ वगैरह बनाएंगी, जिसमें से जो भी अर्निंग होगी वो एक चैरिटी में जाएगी, जिससे कि जो बच्चे, जो परिवार हैं जिन्होंने कोविड की वजह से जो अपनी दिवाली सही से नहीं मना पाएंगे उनकी कुछ हेल्प कर सकेंगे हम। और साथ ही साथ ये मैसेज भी दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से भी, हमारे प्रिंसिपल मैम की तरफ से भी, और सभी बच्चों की तरफ से भी, कि दिवाली जो है वो पटाखों की बजाय हमें ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए।